Assalamualaikum everyone and thank you for tuning in. आज मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो इंडस्ट्री की एक पहचान भी हैं और आई थिंक बहुत ही अलग किस्म के कंटेंट प्रोवाइड कर चुके हैं. एंड आई हैव वर्क विथ हिम एज वेल प्रोफेशनली, बट टुडे इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट मी और माय प्रोडक्ट, इट विल बी अबाउट द इंडिविजुअल. एंड वंस अगेन द राइटर्स मीडियम इज बीइंग डिस्कस्ड हियर राइट नाउ एट द मोमेंट. इन्होंने सन्नाटा भी लिखा है, इल्तिजा भी लिखा है एंड हाईली क्रिटिकली अक्लेम्ड और अंग्रेजा भी. और इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट करेंगे बट वी वोंट टॉक अबाउट दैट टुडे. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्राउड टू इंट्रोड्यूस साजी कुल्टी. कैसे हैं आप साजी? ठीक ठाक. आई जस्ट वॉन्ट टू पुट फॉर सम क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड बिकॉज यू नो इट्स शॉर्ट एंड कंसाइज, आप मुझे बता सकते हैं वॉट इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टूडे एंड हाउ द राइटर सीज द इंडस्ट्री फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू. सो देखते हैं आपका क्या ओपिनियन है. एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी टू यू इज दैट आफ्टर रिसर्चिंग अ लिटिल बिट ऑन यू, यू आर एन एनसीए ग्रेजुएट जी और आपने जो है कम्युनिकेशन डिजाइन में मेजर्स किए, तो ये मुझे बताएं कि वो तो आई थिंक स्पेशलिटी इज टुवर्ड एन आर्टिस्ट एंड प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन मीडियम, राइट? सो ज्यादा एडवर्टाइजिंग से ज्यादा रिलेटेड. ग्रेट. सो व्हाई राइटर? मैं गया था एनसीए में 1999 में. तब तक मीडिया के एज सच कोई कोर्सेज वगैरह भी नहीं थे और फिल्म मेकिंग का भी वहां पर नहीं था, लेकिन चीज ये है कि वो तो एक बचपन से एक चीज चलती आ रही थी. साथ साथ मैं ये कहता हूँ जो राइटर है ना, वो एक ऐसा शख्स होता है जिसको दुनिया का सब नॉलेज बारी बारी आहिस्ता 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 अप्रोच करना पड़ता है. आप जिस चीज के बारे में कहानी लिखते हैं, आपको उसके बारे में रिसर्च भी चाहिए होती है, उसके बारे में नॉलेज भी चाहिए होता है. तो जिंदगी में आप जो कुछ एज अ राइट मतलब एज अ पर्सन पढ़ते हो, वो एज अ राइटर आपके काम आता है. मैं आप अगर साइंस के अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचूं तो वो अब मुझे कई जगह पे काम आ रहा होता है. मैं किसी डिजीज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी साइंस फिक्शन के बारे में कुछ लिखता हूँ, तो वो सारी चीजें मुझे तभी काम आएंगी जिस टाइम पे मैं पहले पढ़ चुका हूँ. तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें जो जो एक्वायर किया है इन लाइफ, जो 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 सब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं भी है, मुझे लगता है कि एज अ राइटर वो आपको फायदा देते हैं एक टाइम तक. एज अ राइटर आपको कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है व्हेन योर कंटेंट मेक्स इट टू द प्रोड्यूसर और द डायरेक्टर? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप करियर के किस लेवल पे हैं. जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, आप कोई हिट प्रोजेक्ट्स देते हैं या रेटिंग वाले प्रोजेक्ट्स भी देते हैं, तो वो उस पे जाके एक टाइम होता है जिस पे एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है. तब शायद थोड़ी सी जो एक वो डिक्टेशन है वो कम हो जाती है. लेकिन जब आप स्टार्ट में आते हैं और मिड करियर तक भी जब आप पहुंचे होते हैं, तो तब तक काफी डिक्टेशन होती है चीजों में. असल में बात यह है कि अक्सर लोग राइटर्स को बहुत कहते हैं कि आजकल राइटर्स ये नहीं करते, आजकल राइटर पता नहीं. बात यह है कि मैं दुनिया जहान के एक अजीम तरीन कहानी लेके आ जाऊं, जब मैं टेबल पे रखूं और वहां से रिजेक्ट हो जाए टीवी तक, तो वो कभी नहीं आएगी. सही. तो इन द एंड जो कहानी मेरी रिसीव होगी, जो अप्रूव होगी, वही जाके टेलीविजन के ऊपर चलेगी. मतलब उसमें फिर मेरा ये वाला जो इनपुट है कि जी मैं कहां से आ रहा हूं और मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, वो चीज थोड़ी सी इफेक्ट होती है. बहरहाल, लेकिन मुझे ये लगता है कि सीरियल एक इतनी लंबा एक फॉर्मेट है कि उसमें कहीं ना कहीं आप अपनी मर्जी की बात करने के लिए आपके पास टाइम होता है. आप छुपा छुपा के भी बीच में करके अपनी बात कर जाते हो जब जो आपने बात कहनी है. हर हफ्ते हम वो खड़े होते हैं ना कि वो फ्लायर, वो रेटिंग्स, वो ये कहां, ये मीटर्स कहां लगे हुए हैं. अच्छा, कहने को यही है कि वो कोई मेरे ख्याल से 800 से 1500 के बीच में कुछ बार बार बात सुनते हैं कि जी ये मुझे उस मुझे भी ऐसे हवा है कि जन है वो पता नहीं किधर है, कोई कोकाफ के मीटर्स है जो कि पता नहीं किधर लगे हुए हैं. लेकिन उसमें ये है कि उधर की जो ऑडियंस है उनका एक खास टेस्ट है, वो जहां पे भी लगे हुए हैं. सही है. और वो मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के, इवन अपने शहर के भी टेस्ट बर्ड जो है वो उनको नहीं टच करता, वो नहीं उसको डिफाइन कर पाता. अगर वही मीटर्स अगर क्लिफ्टन में लगे हुए हों या वही मीटर्स अगर नाजमाबाद में है, वही मीटर्स अगर डिफेंस के किसी और पोर्शन में लगे हुए हैं, तो वो बिल्कुल उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ और आएंगे. अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि एक स्क्रिप्ट की जो है वो सक्सेस फैक्टर कितना है? इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्क्रिप्ट? कैन वी हैव इम्प्रोवाइजेशनल कंटेंट, ऑन द गो कंटेंट, या स्क्रिप्ट का होना बहुत जरूरी है? स्क्रिप्ट इज द फाउंडेशन और नॉट? अगर मेरा जो कहानी जो है अगर वो रिलेटेबल नहीं है, वो अगर आप जस्टिफाई उसको नहीं कर सकते बहुत सारी चीजों में, बिलीवेबल नहीं है उसके इवेंट्स जो हैं और लोग नहीं उसे कनेक्ट कर पा रहे,
तो आप जितना मर्जी उसके ऊपर बड़ा महल खड़ा कर लेंगे, कभी वो नहीं करेगी। अभी रिसेंटली आप ने देखी थग्स ऑफ हिंदुस्तान, बड़ा कॉमन है यार, बड़ा डायरेक्टर बड़ा डायरेक्टर बड़ा डायरेक्टर चाहिए हम लोगों को, बड़े आर्टिस्ट बड़े आर्टिस्ट बड़े आर्टिस्ट चाहिए हम लोगों को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो तो कॉन्टेंट है। तो अगर कॉन्टेंट ही आपका मजे का नहीं होगा तो ना वो डायरेक्टर बचा पाएगा, ना वो एक्टर बचा पाएंगे, ना एक बेहतरीन डीओपी बचा पाएगा। सो व्हाई डोंट पीपल नो दैट द कंटेंट हैज टू बी स्ट्रांग कंप्लीटली फॉर एनीथिंग टू वर्क। समझिए ये वाली जो चीज है ना, इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो जो फिल्म का एक या टीवी का विजुअल जो एक मीडियम है, ये कंपोजिट है बहुत सारी आर्ट्स का। उसमें अचानक कहीं पे कोई चीज क्लिक कर जाती है इन पांच छह चीजों को। उसके अंदर म्यूजिक भी है, उसके अंदर राइटर भी है, उसके अंदर डायरेक्टर भी है, उसमें एक्टर की स्किल्स भी आ रही हैं, उसके अंदर जो इर्द गिर्द का डिजाइन है उसकी भी स्किल्स आ रही हैं। उनमें से कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है और वो आगे चल पड़ती है। होता हमारे यहाँ असल में ये है कि आप बहुत ज्यादा ना एक उसको कर लेते हैं कि ये अच्छा ये वाला पीरियड प्ले था, अब क्योंकि ये किसी भी वजह से फेल हो गया तो नेक्स्ट आप पीरियड प्ले की तरफ नहीं जाते। इसी तरह कहीं आपने तय कर लिया कि एक प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो आपने चाहे वो कितना भी शैलो क्यों ना हो, आप फिर वो उसी की एक रन ऑफ द मिल में उस सारे प्रोजेक्ट को झोंक देते हो। तो मुझे ये लगता है कि जब आप स्क्रिप्ट के ऊपर जा रहे होते हो ना, स्क्रिप्ट के वक्त आपको विजुलाइज बहुत करना पड़ता है कि क्या बन के निकलेगा। तो वो जब इस तरह के स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि सोचने पे बहुत मजबूर कर रहे हो, तो अक्सर जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो भी इस चीज से थोड़े डर जाते हैं कि अब हमें ऐसी चीज है जो हमने पहले देखी नहीं हुई, जो नई चीजों की जाहिर बात है वो पहली दफा ही होगी ना, वो देखी तो किसी ने नहीं होगी पहले। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तरह का जब प्ले बनता है तो उसकी कॉपीज इजिली इसलिए एक्सेप्ट होती चली जाती है और स्क्रिप्ट ऐसे आते जाते हैं कि क्योंकि चूज करने वालों ने पहले से चीज उससे मिलती जुलती देखी हुई होती है, उनको लगता है हाँ ठीक है ये कर देते हैं। अच्छा उसमें रेप हुआ था तो रेप पे प्लेस बना देते हैं आप, अच्छा नहीं उसके अंदर सास ने इल्जाम लगा दिया था तो वो सास के इल्जाम के प्लेस चलते चले जाएंगे, क्योंकि आपने एक चीज पहले देखी है, आपको ये नहीं पता कि जो नई चीज आएगी वो रिस्की बिजनेस है। सारी बात किसी दिन एलियंस अगर पाकिस्तान में आ जाएंगे तो फिर हम एलियंस पे जो है 50 सीरियल बना देंगे, एलियंस अगर रेटिंग ले जाएगी तो उसके बाद। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम अपने कॉन्वर्सेशन की एंड की तरफ जा रहे हैं and I think I've had a very wonderful session with you, apart from being professionally connected with you as well and your intellectual soch jo main ye kahan se aata hai, hum aisi industry ke andar hai jahan pe inspiration bahut zyada log le lete hain, chhap ke content bana dete hain, drama bana dete hain, phir bolte hain foreign content ban kar do, lekin uthaya aapne foreign content se, wo hota hai. So in the coming time period as a senior writer of the industry, what message would you like to give to everyone who's watching, to the writers, upcoming writers, media institute ke students hamare, unke liye kya aap paigham dena chahenge? Asal kahani ko chhod ke baki kism ke elements ke andar phans jate hain, to wo mujhe lagta hai ki wo us pe zara naye logon ko kaam karne ki zarurat hai aur Pakistan ki cheez soche, Pakistan ke indigenize karke cheezon ko dekhne ki koshish kare, kyunki agar aap नए बच्चे स्पेशली अगर ये करेंगे कि अच्छा वेस्ट है मैंने उसको कॉपी डायरेक्टली कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया ऐसी चीज बना रही है, आपकी कोई चीज देखने के लिए नहीं आएगा जब तक आप अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने इस लोकल रीजन की आइडेंटिटी के साथ कोई चीज मार्केट नहीं करेंगे तो जब तक आपका अपना एक योनरा नहीं होगा यहाँ का, फायदा नहीं, तब तक कोई उसको रीच भी नहीं करेगा किसी भी तरह से। So that's your personal opinion, I presume. Saji, I'm thankful you came and thank you so much. I think that the writers जो हैं हमारे industry के उनको वो recognition और पहुंच मिलनी चाहिए। I do know that every institution out there does give the right recognition to all of them, but we never sit and we never discuss the core ground of how things are formed. So once again, thank you for dropping in and thank you for this wonderful discussion. Thank you for calling. नहीं आप तब तो अब काम भी करना है बहुत सारा, तो इंशाल्लाह let's hope that whatever you've spoken about is well received and looking forward to many wonderful things coming from your end in this ever growing fast media industry. Thank you everyone.